हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप देख रहे हो इंगो लैब और मैं हूं आपका मुकुल अग्रवाल। मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की लेटेस्ट टेक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार के लिए। हमें ऐसे ही प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू। हम इसको और डेली कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए पहले अपडेट पे। पहला अपडेट लेके आया हूँ मैं साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और इंक्लूडिंग नासा। उन्होंने एक गाइड बुक को डेवलप किया है, जो वो गाइड बुक आपको बताएगी कि अर्थ के बाहर, अर्थ के बियॉन्ड कितनी लाइफ है या नहीं है। वो उन्होंने कैसे लिखी, जो कि पास्ट और प्रेजेंट के जो रिकॉर्ड्स थे उसकी हेल्प से एक गाइड बुक को उन्होंने डेवलप किया है। वो आपको बताएगी कि मतलब आपको क्या, साइंटिस्ट को बताएगी कि वो उनको कैसे हेल्प करेगी कि अर्थ के बाहर कोई लाइफ है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। क्वालकम एक अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स को बनाए रखते हुए 3 अपडेट और लेके आने वाला है। वो कब रिलीज़ करेगा? वो सितंबर में रिलीज़ करेगा एक इवेंट में, जो कि एक बेहतरीन इवेंट होने वाला है शंघाई में, जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। एक्चुअली मैं आपको पहले कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एक फरवरी में भी हुआ था बार्सिलोना में इस साल 2018 में। अब वो 2018 में फिर से होने वाला है सितंबर में शंघाई में, जिसमें क्वालकॉम अपने 3 प्रोसेसर्स को लॉन्च करने वाला है। उनके नेम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632, 429 एंड 439। एक्चुअली अब ये लॉन्च तो कर देगा, बट आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आपको ये स्नैपड्रैगन्स की जो अपडेट्स हैं वो अगर मोबाइल आपको परचेज करना है, तो अगर 10,000 के अंदर है, मतलब 400 सीरीज के जो स्नैपड्रैगन्स हैं, अगर 10,000 के अंदर में है तो वेल एंड गुड, और जो 16,000 के अंडर में है जो 600 सीरीज के स्नैपड्रैगन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट वेल एंड गुड। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। अमेज़न एलेक्सा पे, अमेज़न एलेक्सा में अब एक बग आ चुका है। वो बग क्या है? कोई यूज़र उसको बोलता है कि रिपीट करो आपने क्या बोला, तो यूज़र बोलता है आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो ये एक बग है। आप देखते हैं कि अमेज़न इसको कितनी जल्दी रिजॉल्व करती है। अगले अपडेट पर चलते हैं। सैमसंग के नया मोबाइल जो कि कल रिलीज़ होने वाला है, नेम है सैमसंग गैलेक्सी J8, जो कि आप 28 जून को फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम से परचेज कर सकते हैं। और इसके कुछ ऑफर्स भी हैं कि अगर आप पेटीएम मॉल से ICICI बैंक डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मार्क मिल जाता है। बट इस फ़ोन की कॉस्ट 19,000 है। हाँ, और इसके जो फीचर्स हैं, नो डाउट कि कैमरा आपको बेहतरीन मिलेगा, 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्नैपड्रैगन 450 यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं सर सैमसंग को क्या हो जाता है मिड रेंज फ़ोन में आते ही, हाई रेंज में वो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है, कमाल की फीचर्स दे रहा है, बट मिड रेंज फ़ोन में आके वो इतने महंगे फ़ोन क्यों दे रहा है 19,000 रुपीज़ में 450 का स्नैपड्रैगन। अगर यही वो 636 का स्नैपड्रैगन देता तो क्या कमाल का मोबाइल बन जाता ये। बट अब देखते हैं कि सैमसंग के जो लवर्स हैं वो उसको पसंद करते नहीं करते हैं, कितना ही चलता है नहीं चलता, सेल होते नहीं होती इस मोबाइल की। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। OnePlus 6 का एक नया वेरिएंट 10 जुलाई को लॉन्च होने वाला है एट दी प्राइस ऑफ 44,000, जो कि एक फीचर्स के साथ ऐड ऑन होगा, जिसमें आपको स्टोरेज मिलेगी भरपूर, रैम मिलेगी भरपूर, 8GB की रैम होगी और 256 की स्टोरेज होगी, जो कि एक भरपूर स्टोरेज में मानी जाती है। सो अगर आपको अच्छा लगती है, स्टोरेज आपकी कम पड़ती है, तो इस मोबाइल को ले सकते हैं। और नो डाउट कि मोबाइल तो बेहतर है इसका OnePlus 6। तो आप अगर आपके पास 44,000 रुपीज़ हैं तो आपको स्टोरेज चाहिए तो इस मोबाइल को 10 जुलाई को ले लीजिएगा। अगला अपडेट है, एप्पल ने अपने यूज़र्स के लिए आईपैड्स में एक ऐप अपडेट की है और निकाली है स्कूलवर्क ऐप के नाम से। एक्चुअली वो हेल्प करेगी टीचर्स वगैरह के लिए। वो डायरेक्टली टीचर्स वगैरह उसको क्या कर सकते हैं, एक असाइनमेंट बना सकते हैं, बच्चों को शेयर कर सकते हैं, कोई भी उनको अपडेट हो, कोई भी उनको
असाइनमेंट देना हो, पेपर्स देने हो, रिव्यूज देना हो, पीडीएफ देना हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इजीली अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं इस ऐप की हेल्प से। अगले अपडेट पर चलते हैं, स्टेट ऑफ डिके 2 गेम। ये जो 22 मई को रिलीज हुआ था वो इस मंथ का सबसे ज़्यादा सेलिंग गेम बन चुका है। क्या आपने इस गेम को खेला? आपके क्या रिव्यूज़ हैं बताइए कमेंट करके। क्या आप इससे बेहतर गेम जानते हैं? और आपने आप आजकल कौन सा गेम खेलते हो? क्या आपको गेम खेलने में इंटरेस्टेड है? तो बताइए नीचे कमेंट्स में, जरा हम भी तो जाने कि आपका गेम में कितना इंटरेस्टेड है या नहीं, आपका टेक न्यूज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं, टेक अपडेट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते। तो साथ ही साथ आप बता ही रहो तो कमेंट्स करके वो भी बता देना। नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, LG V40 आपके लिए एक बहुत ही कमाल का कैमरा लेके आ रहा है, जो कि वर्ल्ड में नंबर वन कैमरा होने वाला है। किसमें? जिसमें होगा सिर्फ 5 कैमरे, सिर्फ नहीं बहुत सारे कैमरेज, जो कि 5 कैमरों का पहला मोबाइल निकल के आएगा। LG का V40 वर्ल्ड में पहला मोबाइल होगा जो 5 कैमरे के साथ आएगा, जिसका नाम है LG V40। LG क्या कर रहा है आजकल, कह रहा है कि हम भी हैं भाई मोबाइल में, हम भी हैं जिंदा। क्योंकि पता है आपको लास्ट कुछ ईयर्स में तो LG मोबाइल्स में एकदम डाउन जाता जा रहा है, बट देखते हैं इस मोबाइल से वो कितना ऊपर आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगले अपडेट पे चलते हैं, मैकेफे एक एंटीवायरस है जो कि आपको HP के लैपटॉप्स के साथ मिलता है, और आप वैसे भी परचेस कर सकते हैं, उसका कोलैबोरेशन है क्योंकि HP के साथ, तो इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास HP का लैपटॉप है इसलिए मुझे पता है। वो अपडेट क्या है कि वो लेके आया है आपके लिए एक रिसर्च, एक रिपोर्ट, कि वो क्या बताती है कि लास्ट 4 मंथ्स में 629% जो थ्रेट्स हैं, जो मालवेयर्स हैं, जो साइबर क्राइम्स हैं, वो इंक्रीज हुए हैं और ग्रो हुए हैं 629% के रेट से। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 5 थ्रेड्स ग्रो होते हैं। बस आज के लिए इतने अपडेट्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर इसने आपको थोड़ा बेनिफिट्स दिया है तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी दे, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको और कैसे पढ़ना है और कैसे आपको अपना इस वीडियो से आपको कैसे हेल्प मिलेगी। और अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही टेक अपडेट्स लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।